हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल रिया ऑफिशियल अकाउंट में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो कमेंट करना। और ये है मॉर्निंग का टाइम, बज रहा है 7:30 और सुबह में मतलब आग मतलब जला के बैठी थी और जा रही थी सब्जी काटने और बाबू जा रहे थे नहाने, क्योंकि सुबह मतलब लाइट रहता है तो गर्म पानी हो जाता है, इसके बाद नहीं तो फिर लाइट चला जाएगा, फिर उसके बाद 1 ही 2 बजे आएगा, इस वजह से पानी गर्म हो गया था। बाबू इधर जा रहे थे नहाने और इधर जो सारा कपड़ा रखा गया था इसमें बिल्ली टॉयलेट कर दिया था। दिक्कत ये था, ये साफ़ कर दिए थे नहाने से पहले, मुझे सिर्फ धुलना रह गया था। तो चलते हैं, पहले हम सब्ज़ी को काटेंगे, इसके बाद हम भी नहा के रेडी होंगे, फिर जाएंगे किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ और मुझे बनाना था हरा धनिया में घुघरी, क्योंकि उनका फेवरेट है मेरे हस्बैंड का और उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी का मौसम है उनको घुघरी बहुत पसंद है। निमोना घुघरी वो अक्सर खाते हैं, क्योंकि और कोई सब्ज़ी वो खाते नहीं, उनको नहीं पसंद है। तो इधर मैं नहा के रेडी होके आ गई थी और थोड़ा सा चाय था उसको गर्मा दिए थे, क्योंकि नहाने के बाद मैं एक बार चाय तो पीती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी का असर पड़ चुका है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं। इधर हम चाय वो पी के और इसके चलते हैं मसाला मतलब पीसेंगे, क्योंकि ये ग्लेंडर थोड़ा सा शायद मिस्टेक हमसे मतलब काला नमक पीस रहे थे तो ख़राब हो गया, देखते हैं इसमें अगर पीसा नहीं जाएगा। एक बार चलेंगे सिलबट्टे पे पीसेंगे हम। तो फिलहाल अभी मिक्सर में पीस रहे थे तो पीसा नहीं गया, और आप लोग देख सकते हो। चलते हैं सिलबट्टे पीसेंगे, क्योंकि इसमें सही से नहीं, ये ख़राब हो चुका है, आप लोग देख सकते हो अंदर से ये ख़राब हो गया। तो इसको दे देंगे दोपहर में बनाने के लिए। चलते हैं सिलबट्टे से पहले। अभी सिलबट्टे मतलब मसाला पीस के लेके आए, क्योंकि मेरा जो लेटर था वो ख़राब हो चुका है और पता नहीं कैसे बाबू पानी में डाल दिया, वो जल ही नहीं रहा था। तो इसके बाद माचिस मंगाए हैं कि माचिस से हम मतलब काम कर लेते हैं, तो कई दिन से इनसे बोल रहे हैं कि आप लेते आओ, इनके पास इतना टाइम भी नहीं मिलता और बाबू को भी देख रहा, दुकान भी दोनों उनको संभालना पड़ जाता है। तो चलो अभी हम हरे धनिया बनाते हैं घुघरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो टाइम हो गया है और थोड़ा सा घर में बेबी को भी देखना रहता है, घर में बहुत ज़्यादा काम भी, ठंड का मौसम है, टाइम भी पता नहीं चलता कि कितना जल्दी बीत जा रहा है। और इधर लगा रहे थे, गैस ख़त्म हो गया था, हाथ में बहुत तेज़ से लग गया था, क्योंकि एक ख़त्म हो गया दूसरे वाले में लगाएं, क्योंकि एक सिलेंडर तो ख़त्म, इसको भी अब भरवाना है, क्योंकि एक पहले से एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि कभी कब का रात को ख़त्म हो जाए कब दिन में पता ही नहीं रहता है। और लग गया था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। चलो अभी हम थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई करके अच्छे से बनाएंगे। घुघरी हो रहा था और इधर हम डाल दिए दाल, क्योंकि दीदी को थोड़ा सा, क्योंकि उनका ऑपरेशन है शरीर है, तो उनके लिए तो हम थोड़ा सा दाल मतलब रेगुलर डाल देते हैं, तो उनका दाल इधर हो रहा है, तब से इनका घुघरी भी हो जाएगा, दोनों लोग का मतलब बन रहा है और इसमें हम लोग भी खा लेते हैं। तो इधर दाल होगा, चलते हैं थोड़ा सा आटा गूँथना है तो आटा गूँथ लेते हैं हम।
आटा गूंथ रहे हैं इधर, हो गया है और इधर भी इधर हो गया है। तो चलते हैं पहले आटा को गूंथने, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ मतलब मिसों का कुछ मतलब अकाउंट डिटेल डालना था तो नहीं डाले थे, क्योंकि जो कपड़ा आया था उसमें मतलब कुछ मतलब सही था, कुछ हल्का सा क्रेश मतलब ख़राब है हल्का सा, तो उसको रिटर्न करना है। तो अभी फिलहाल ये सांद है, आटा गूंथ ले अच्छे से, इसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है और देख रहे हैं मास्क पूरा मतलब फंस नीचे तक, स्वेटर मोजा कान का, कल से मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अभी भी आराम नहीं हुआ, बस खाना बना के मुझे हट मतलब जाना है, कमर बहुत ज़्यादा मतलब दर्द कर रहा है पता नहीं क्यों, 3 दिन हो गए मतलब दवा भी नहीं खा रहे, बाम था वो मले। खाना बन के रेडी हो गया था, अब बाबू को हम दे रहे थे हॉर्लिक्स, क्योंकि उसको चाय का मतलब ना नशा इतना लग रहा था, वो सोचते हैं हम उसको चाय ही दे रहे हैं, पर हॉर्लिक्स मिला के और दूध में हम चीनी मिला के हल्का से उसको घोर के दे देते हैं, क्योंकि वो सोच रहा है चाय है, तो चाय की वजह से वो गिलास में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब सुधर भी गया है और अच्छे से भी रहता है, क्योंकि सारा जो इसके अंदर तकलीफ़ हर एक चीज़ था आराम हो गया भगवान की दया से। और अपने पापा के साथ अक्सर ज़्यादा करके वो रहता है, मेरे पास उतना नहीं रहता है, क्योंकि पापा को वो ज़्यादा पसंद करता है और प्यार भी करता है, हमें उतना नहीं करता है वो गधा। तो चलो इसको हम हॉर्लिक्स घोर दिए, हल्का सा ठंडा हो जाए दूध तब उसको दे, और इधर हम रोटी बना रहे, क्योंकि अब रोटी सब्जी हो गया था और सेम का भी चोखा हो गया था, दाल भी हो गया था, अब इधर तवा रख दिया था, तवा गर्म हो रहा है, तो चलते हैं रोटी बनाएंगे। अब किसको किसको खाना है प्लीज़ कमेंट करना, किसको पसंद है ठंड ठंड में घुघरी रोटी, मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट है और हम लोग भी खा रहे थे उनके साथ, क्योंकि उनका फेवरेट हम लोग का भी फेवरेट हो जाता है, तो उनके लिए बनाना पड़ता है, फिर हम भी अपने लिए भी उतने में तक क्या बार बार क्या कुछ बनाएं तो उन्हीं में बना लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। तो चल तो पहले हम रोटी बना लें अच्छे से, फिर मानो पापा ठंडा पानी से नहा लिया, फिर उसे दर्द हो रहा है। हम सोची बल्कि पनिया हम ले जो गर्मा के नो ले ली है, पनिया जो छोड़ा रहा वो ले ली है, बल्टियों वाला ले ली जो गर्मा वाला वो ले ली है, तीनों तीनों पर दीदी कहीं गर्मा दीदी में हम के नहीं रहा था। बहुत अच्छा बात, तबीयत खराब होते हुए भी हमें ये कौन रसो सही है, ये कौन रसो सही है, ज़्यादा होगा ऐसे मारे मेला ना दीवार तार खराब हो जाए गला का इनके, अबे और चाहे फोड़ दे तो क्या, हाँ ते ही ना ते हम बनाओ तो रहे लोग रहे हमारा फेवरेट है, हाँ हम चलते टीवी देखने लोग रहे हमारा बनाई चलो फोड़ दे तो क्या समझा, इतना रस सही मत खाना करो, नहीं लाई पानी है मत, अबे ना सही बार वहीं होए बाबू ले लो बाटल में होए ले लो, ये कहानी बताए लाए सबके किचन में तो खाना बनाना नहीं था, उसके ऊपर चले आए थे फ्रिज को भूलने के लिए, कई दिन से फ्रिज में हम कुछ भी नहीं रख रहे थे और इतना गंदा हो गया, देख के बहुत बुरा लग रहा था, तो ठंड में मतलब मतलब पानी गर्म कर रहे थे, धूल वूल नहीं देते धूल भी गए, तो चलते हैं पहले फ्रिज को भूलने के लिए, पूरा आंगन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो फ्रिज तो अच्छे से धुलना ही है, क्योंकि दाग बहुत ज़्यादा पड़ गया था इसमें,
फ्रिज को अच्छे से बस सर्फ गर्म पानी से डाल के धुलेंगे, क्योंकि अच्छे से छूट जाता है गर्म पानी से। फ्रिज रोज तो धुल दिए थे क्योंकि गर्म पानी था और पानी भी ख़त्म हो गया था क्योंकि लाइट नहीं थी, और सुबह मुझे पता नहीं था कि मतलब टंकी में पानी है कि नहीं, और ये सुबह बताए थे कि आधा टंकी है, तो मैंने चला दिया था, पर शायद पीछे पानी गिर रहा था क्योंकि दो दो टंकी लगा, एक पीछे एक आगे, इस वजह से घर में पानी था नहीं, तो हमें पीछे साइड में किसी घर मतलब बगल में उनके घर नल से लाना पड़ा था। और इधर दो बाल्टी मतलब पानी गर्म करके इसमें पकेट डाल देती, क्योंकि ये पुराना घर है ना, तो कभी कभी मतलब रेगुलर आग जलता है, तो जो धुआं मिट्टी होता है सारा इस पक्के पाके जम जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब काला काला दिख रहा था, तो सोचे गर्म पानी डाल के धुल देंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इधर से हम ब्रश से रगड़ रहे हैं, और अन्नू भी मतलब पानी परेशान कर रहा था, तो अपने बुआ के साथ भी बाहर चला गया, और इधर अच्छे से ब्रश से मतलब रगड़ेंगे जो कि जो मिट्टी जमा है वो निकल जाए। पक्के को हम अच्छे से रगड़ दिए थे, थोड़ा सा जो मतलब फ्रिज में था और सब्जी रखने वाला और डिब्बा था, थोड़ा सा किचन को तो धुल दिया, आप सब लोग सामने से देख सकते हो, क्योंकि ये पुराना मकान है ना तो अजीब से बना है, धुलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि आंगन भी मतलब लंबा में है आंगन, पर रूम बहुत छोटा छोटा है, तो फ्रिज किचन के पास ही मतलब बाहर ही रख दिए, क्योंकि किचन में नहीं आ सकता, किचन छोटा सा है, पुराना मतलब बहुत पुराने लोग बनवाए हैं, तो मेरा किचन आप लोग देखते होंगे बहुत ही अलग टाइप सा है। तो अभी तो हम फिलहाल अभी पैसा नहीं है, पैसा जब भी भगवान दे देंगे तो हम जिस तरीके से सोचें उसी तरीके से किचन को हम मतलब बनवाएंगे हम। तो अभी ये किचन को मतलब पानी का आ चुके थे, और इधर भी फ्रिज व्रिज धुल दिए थे, पक्का भी धुल दिए थे अच्छे से, और अब इधर सारा मेरा काम कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा रह गया था सिर्फ आंगन धुलना, और ये थोड़ा सा जो बल्टी उल्टी था उसको धुलेंगे, क्योंकि मेरा काम अच्छे से ठंडी, क्योंकि बज रहा था दो और हम काम 11 बजे से ही कर रहे थे, क्योंकि पूरा काम मेरा, क्योंकि हम बिना हेल्प के किसी के कर रहे थे, तो मेरा काम अच्छे से हो गया था, और हमको अकेले ही करना अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से साफ किए हैं अपना घर, क्योंकि हम ही अकेले रहते हैं, और मम्मी भी हैं, आज भी कल लोग अपने घर चले जाएँ, कुछ अपना मुझे करना अच्छा लगता है, तो मैं पूरा काम कर दूँ, थोड़ा सा बर्तन था ये भी धुल के चलते हैं छत पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। इधर मेरा काम कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा कपड़ा था वो भी धुल दिए, पानी भी हट चुके, पीछे भी धुल दिए थे, तो आप लोग कपड़ा लिए हैं, ब्लॉग कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अचानक सब्सक्राइब करना, ब्लॉग के साथ ऐसे पहला वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।